यस मैम। हाँ वो मैं सॉल्यूशन टू के किसी भी बीच क्लास में पढ़ा दूंगी। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने पढ़ा था है ना, फिर इसमें से देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। नोवेल ऑफ्स रूल याद है, वेपर फेस में बेंजीन का कंपोजिशन ज्यादा होता है। यस मैम। हाँ जितना भी ज्यादा वेपर प्रेशर होता है उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होता है। जी मैम। हाँ नोवेल ऑफ्स रूल आ गया था। देखो ये क्वेश्चन भी आया है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस चेंज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, सॉलिबिलिटी लिक्विड लिक्विड में बात की थी, गैस की लिक्विड में बात की थी। तो गैस की जब लिक्विड में सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो ये क्वेश्चन आया है, 1 मार्क्स का है। हाउ डज, कैसे चेंज होती है, याद है कैसे चेंज होती है, कोई बता दो मुझे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, याद है बच्चों को। किस टाइप की रिएक्शन थी ये, मैम कौन सा लीजिए क्वेश्चन, कौन प्लीज। सा क्वेश्चन 5 का ए। मैम लीजिए प्लीज प्रिंसिपल। हाँ बट उसमें क्या, किस वजह से, कौन सी थी, एंडोथर्मिक थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। मैम एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, एक्सोथर्मिक थी, इसलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी कम होती जाती है। डिक्रीज होगा हाँ वेरी जी गुड, मैम। मोलैलिटी बन जाएगी डिफाइन करते हुए, 1 मार्क्स में आया है। यस मैम। मोलैरिटी मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, चलो बताओ जल्दी। सुश्री, अनीशा रुको, सुश्री बताओ। भूल गई, अजय बताओ, अजय वो मैं म्यूट करके बोल रहा था एक्चुअली। अच्छा बताओ। जब मोलारिटी होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी है वो 1 लीटर, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। हाँ, और मोलारिटी होता है कि मतलब नंबर नंबर ऑफ हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ओके मतलब हाँ टोटल नंबर ऑफ। हाँ ऐसा है, हाँ मतलब मतलब एन ए कि इक्वल कित टू एम ए हाँ प्लस केजी बी। केजी केजी जब हम हाँ लेते हैं, जब हम मास लेते हैं सॉल्वेंट का, तब इट्स मोलैलिटी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, मोलैरिटी को कैपिटल एम कैपिटल से। एम। ठीक है वेरी गुड। ये सारा तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक अपन अभी मई में स्टार्ट ही करने वाले हैं। ठीक है सॉल्यूशन 1 कंप्लीट हो गया था, इसमें हमको सिर्फ स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ना बचा है, हम सॉल्यूशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन 1 में हमने मिसिबल लिक्विड्स की बात की थी, राउल्स लॉ की बात की थी, लिक्विड एंड लिक्विड कंप्लीटली सॉल्यूबल इन ऑल प्रपोर्शन एट ऑल टेम्परेचर, और अगर सॉल्यूबल नहीं है तो नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 में हमने बात करनी है किसकी, पार्शियली इमिसिबल, पार्शियली इमिसिबल, पार्शियली मिसिबल सॉरी, एंड इमिसिबल लिक्विड पेयर्स। ओके चलो अब हम देखते हैं कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स की बात करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने क्या डाला है, मान लो बेंजीन और फिनॉल को मिक्स किया है, तो मान लो वो पूरे प्रपोर्शन में हर कंपोजिशन में मिक्स हो जाते हैं, हमें दो अलग अलग लेयर्स नहीं दिखती हैं, एक सॉल्यूशन का फॉर्म दिखता है, मान लो नमक और पानी, तो डेट इज कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन। ओके बट अगर हम बोलते हैं पार्शियली मिसिबल, पार्शियली मतलब होता है आधा, कंप्लीटली जो ना मिक्स हो सके, डेट इज पार्शियली। तो अगर हम बोले कि सम लिक्विड पेयर्स जो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते इन ऑल कंपोजिशंस, सच लिक्विड पेयर्स आर द पार्शियली लिक्विड पार्शियली मिसिबल पेयर्स। मतलब कि क्यों, अगर हम फिनॉल और किसी क्लोरोफॉर्म को लेते हैं, मान लो जस्ट इन एग्जाम्पल, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है मिक्स होते हो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, अगर ये दो अलग अलग फेस हमें दिखते हैं, ये अलग लेयर ये अलग लेयर, ठीक है, तो डेट आर पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम। बट ऐसा नहीं है कि ये मिक्स नहीं हो सकते, दे कैन बी मिक्स्ड। अभी कैसे मिक्स होंगे, अगर हमने मान लो टेम्परेचर चेंज कर दिया, बढ़ा दिया कम कर दिया, तो इनकी सॉलिबिलिटी चेंज होगी, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा।
कंपोजिशन मतलब होता है कि H2O है तो 2H है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो 2:1 है, तो कंपोजिशन इसका केमिकल कंपोजिशन ये है। तो अगर बेंजीन और फिनॉल डिजोल्व है तो इनका कोई फॉर्मूला अमाउंट ये सब चेंज नहीं होगा, जस्ट सॉलिबिलिटी चेंज होगी। ठीक है, सो वॉटर पार्शियल एमिसिबल लिक्विड, द लिक्विड्स विच डू नॉट फॉर्म सोल्यूशन इन ऑल कंपोजिशन और द लिक्विड्स विच अपियर एज डिफरेंट लेयर्स, ओके, और दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर बट दे कैन बी मिक्सड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो अगर हम देखो, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है फिनॉल और वाटर का, अगर हम एक बीकर में थोड़ा सा फिनॉल डालते हैं, किसमें, ये पानी है, ये वाटर है H2O, और हमने इसमें फिनॉल ऐड किया, फिनॉल के ड्रॉपलेट्स हैं ये, ठीक है। वॉट इज फिनॉल, जस्ट अ मिनट, फिनॉल इज ये बेंजीन, बेंजीन पे ओ एच लगा होता है तो डेट इज फिनॉल। तो अगर हम फिनॉल को मिक्स कर रहे हैं वाटर में रूम टेम्परेचर पे, बहुत छोटा अमाउंट है, तो हम मान लेते हैं कि ये सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। बल्कि ये मैंने आपको कहा था कि लिक्विड लिक्विड में सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते उस चीज को। इट डिसॉल्व कंप्लीटली टू गिव अ सिंगल लिक्विड फेस। हाउएवर, जब हमने थोड़ा सा अमाउंट फिनॉल का डाला वाटर में, तब तक तो ठीक था, हमें अलग अलग चीजें नहीं दिख रही थी। व्हेन एडिशन ऑफ फिनॉल इज कंटिन्यूड, हम डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, एक पॉइंट आएगा जब फिनॉल डिसॉल्व नहीं होगा, तब क्या कहते हैं, हम नमक मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नमक के पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे, दैट पॉइंट इज द सैचुरेटेड पॉइंट, मतलब कि इससे ज्यादा और वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, सैचुरेट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं है। तो उस पॉइंट पे जब हम और ऐड करते जा रहे हैं और हमें अलग अलग लेयर्स दिखने लगे, टू फेसेस दिखने लगे, दैट इज टू लिक्विड लेयर्स आर फॉर्म्ड, एक में सिर्फ वाटर होगा जो कि वाटर से सैचुरेटेड होगा और एक में सिर्फ फिनॉल होगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं पार्शियली मिसेबल लिक्विड सिस्टम। और अगर हम फिनॉल ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, फर्दर एडिशन ऑफ फिनॉल कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम वाटर रिच लेयर टू द फिनॉल रिच लेयर। अब ये वाटर रिच लेयर है, ये फिनॉल रिच लेयर है, ऊपर डिजोल्व कर रहे हैं, हम डालते जा रहे हैं फिनॉल, डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, फिनॉल नीचे आ जाएगा, वाटर ऊपर चला जाएगा, इसलिए इनने कहा कि वाटर शिफ्ट हो जाएगा वाटर रिच लेयर से फिनॉल रिच लेयर में। समझ रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, अगर अलग अलग कलर के लिक्विड्स हैं, इनकी सॉलिबिलिटी आपस में कम है, अगर आप डालते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा कि ये शिफ्ट हो जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा और फिनॉल की लेयर नीचे, फिनॉल नीचे आ जाएगा। इफ द एडिशन ऑफ फिनॉल इज कंटिन्यूड, फिर भी हम डालते जा रहे हैं, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन, अभी तक वाटर सॉल्वेंट था, अब क्या बोला, इतना ज्यादा डालने के बाद फिनॉल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने लगेगा फॉर ऑल वाटर प्रेजेंट एंड द टू फेसेस आपस में मर्ज हो जाएंगे एक सिंगल फेस बनाने की तरह, इसको हम बोलेंगे सल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल। अभी तक हम बोल रहे थे फिनॉल का वाटर में, अब इतना डालने के बाद हम बोलने लगे सल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल, अब वाटर फिनॉल में डिसॉल्व होने लगा। बट अभी भी अगर हमने उस वायल को या जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसको हमने शेक किया, तो आपको फिर से दो अलग लेयर्स दिखने लगेंगी। दिस इज वॉट पार्शली मिसेबल लिक्विड आर, ठीक है। Thus on shaking equal volumes of phenol and water, two layers are formed, one saturated with phenol in water and the other solution water in phenol. इतना समझ आया अजय, अनिशा, सुश्री? जी मैम। जी मैम। बीना, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? यस यस। इसके पहले एक भी क्लास अटेंड नहीं की, सॉल्यूशन वन नहीं पढ़ा? नहीं नहीं। ठीक है, पढ़ लेना
ओके आपको अपलोडेड मिल जाएंगे लेक्चर, सॉल्यूशन कंप्लीट, वन हो चुका है कंप्लीट. अब यहाँ पे आएगा क्रिटिकल सॉल्यूशन, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात आएगी. क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, ऐसा नहीं है कि ये डिजोल्व नहीं हो सकते, ये डिजोल्व होते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ टू लेयर्स, ऑल दो आपस में अलग है इसका कंपोजिशन, बेंजीन का फॉर्मूला और फिनॉल का अलग है ना, वाटर का अलग है, फिनॉल का अलग है, सबका अलग है, तो कंपोजिशन इनका अलग है होने के बाद भी, ऑल दो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज द टू फेसेस आर प्रेजेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे द कंपोजिशन ऑफ टू लेयर्स आपस में अलग होने के बाद भी एक कॉन्स्टेंट रहते हैं जब तक कि दो फेसेस प्रेजेंट हो. सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन को एग्जिस्टिंग विथ ईच अदर आर द कॉन्जुगेट सिस्टम. मतलब कि यहाँ फिनॉल है, यहाँ वाटर है, इन दोनों को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम. कॉन्जुगेट मतलब कि आपस में जब दो कोई चीज जुड़ी होती है तो दिस इज द कॉन्जुगेट सिस्टम. इसका कंपोजिशन अलग है बट ये कॉन्स्टेंट है, मतलब कि इसका अमाउंट और दे आर फिक्सड, रेशियो इनका फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है. बट अब वॉल्यूम चेंज हो सकता है कैसे, कि द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनॉल और वाटर चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ टू लेयर्स. अब सीधी सी बात है, जब अब और भी चीजें डिजॉल्व, एक पहले तो हमने थोड़ा थोड़ा लिया, फिर हम और डालते जाएंगे और डालते जाएंगे, तो वॉल्यूम तो चेंज होना ही होना है क्योंकि हम फिनॉल की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं बट वाटर तो उतने का उतना है, या वाटर का बढ़ाते जा रहे हैं बट फिनॉल तो उतना ही उतना है. किसी एक चीज का एक बार में कंसीडर करते हैं ना, तो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनॉल और वाटर चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ द टू लेयर्स एंड नॉट देयर कंपोजिशन. कंपोजिशन मतलब कि द फॉर्मूला इज नॉट चेंजिंग, हम सिर्फ वाटर और फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो इनका कंपोजिशन एक रेशियो में फिक्स है, H2O H2O जैसे ही होता है, फिनॉल का फॉर्मूला वही होता है. एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द बिहेवियर रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट दैट द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू इंक्रीजेस. व्हेन द टेम्परेचर रीजेस 338 द कंपोजिशन ऑफ टू लेयर्स बिकम्स आइडेंटिकल एंड देयर आफ्टर द टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसिबल. मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने बात की तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंपोजिशन सेम है, उसके बाद अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, ठीक है, द कंपोजिशन इज सिमिलर एट दिस टेम्परेचर एंड देयर आफ्टर, और इस टाइम पे जो लिक्विड्स हैं आपस में मिसेबल है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया है, अभी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और इनका कंपोजिशन सेम है. दैट इज एट अबव 338 केल्विन द फिनॉल एंड वाटर डिजॉल्व इन ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन, और एक सिंगल फेस की तरह ये बिहेव करने लगेंगे. मतलब कि अब हमें ये दो लेयर्स अलग नहीं दिखेंगे, अब हमें फिनॉल और वाटर आपस में मिक्स दिखेंगे. कब? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और जब हम 338 के ऊपर पहुंचेंगे. द वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड फिनॉल एट टेम्परेचर इज शोन इन दिस फिगर. फिनॉल वाटर सिस्टम का एक ग्राफ है, सी पी एच जो है दिस इज फॉर फिनॉल, सी डब्ल्यू इज फॉर वाटर, कंपोजिशन है ये, ठीक है. जब वाटर का कंपोजिशन 100% है, यहाँ पे फिनॉल का कंपोजिशन 100% है, ठीक है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे हमें एक लेयर मिल रही है, मतलब कि वाटर और फिनॉल आपस में मिक्स हो रहे हैं. जैसे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे हमें दो लेयर मिल रही है, ये फिनॉल की और ये वाटर की, ठीक है. तो ये ग्राफ इन्होंने बताया हुआ है. अब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो हमने वहां 338 की बात की थी, से 325 केल्विन, पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर रिच लेयर को, यहाँ वाटर ज्यादा है पता है क्योंकि तो दिस पॉइंट इज वाटर रिच लेयर ए पॉइंट, एंड पॉइंट ए वन पॉइंट कहाँ है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ फिनॉल रिच लेयर, ठीक है.
क्योंकि पता है एथेनॉल यहाँ 100% है. ओके तो अब बिटवीन ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. क्या क्या इक्विलिब्रियम में है, ये आपस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इसलिए हमें दो लेयर्स मिल रही हैं ये वाले पॉइंट पे. अब बिटवीन द टू कंपोजिशन ऑल मिक्सचर्स विल यील्ड टू लेयर्स ऑफ कंपोजिशन ए एंड ए वन. आउटसाइड दिस कंपोजिशन द टू लिक्विड्स आर म्यूचुअली सॉल्युबल एट 325 केल्विन. सिमिलर बिहेवियर इज सीन एट द अदर टेम्परेचर, जैसे कि 338 पे भी है. तो जब तक ये कंपोजिशन है, मतलब कि ये ए पॉइंट और ए वन तक है, तब तक हमें दो लेयर्स मिल रही हैं. ऐसे जैसे ही कंपोजिशन चेंज होगा, कंपोजिशन चेंज होगा मतलब जैसे ही हम थोड़ा और मिलाते जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो हमें 338 केल्विन पे या 325 केल्विन पे एक लेयर मिल जाएगी. ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दोनों चीजें पूरी सॉल्युबल हो गई आपस में. Thus, we can conclude that the dome-shaped area represents the range of existence of two liquid phases, and the area outside the dome represent the liquid phase only. ये डोम है, इसके बाहर का रीजन, ये जो पूरा, रुक जाओ, पूरा इसके बाहर का रीजन, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड मतलब सिर्फ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस टेम्परेचर के पार, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. और ये जो पूरे डोम का अंदर का रीजन है, ये डोम है ना, ये डोम होता है, तो डोम के जो अंदर का रीजन है वहां पे वाटर और फिनॉल इक्विलिब्रियम पे है. तो यहाँ पे दो लेयर्स देखेंगी हमें, ठीक है. द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी, पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी इज कंप्लीट. इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या क्रिटिकल या फिर कॉन्सुलेट टेम्परेचर. ये बात समझ आई बच्चों? अजय, अनिशा, सुश्री, अनिशा आवाज नहीं आई. यस मैम. पक्का समझ आया है? कोई डाउट है? हाँ जय. मैम समझ में आया, थोड़ा मुश्किल लग रहा है. मुश्किल लग रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन. अच्छा देखो क्या कंफ्यूजन है, पहले पूछो, डाउट पूछो. क्या समझ नहीं आया अजय, अनिशा? सुश्री ने तो लेफ्ट ही कर दिया, मैं उससे पूछ रही हूँ, उसकी आवाज भी नहीं आ रही. बताओ कि मैम, मतलब ये जो वन लेयर टू लेयर है कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, मतलब ये समझ. देखो मैंने आपको बोला कि वाटर और फिनॉल का सिस्टम है, हम पढ़ रहे हैं पार्शियली मिसिबल, मतलब कि आपस में कम्प्लीटली मिसिबल जो नहीं होते, दैट आर पार्शियली मिसिबल. मैंने बोला कि एक फिनॉल ऐड करते जा रहे हैं, थोड़ा अमाउंट फिनॉल का ऐड किया, तब तक तो ठीक है, एक ही पूरा एक कंपोजिशन मिलेगा हमें, एक कंपोजिशन मिलेगा, मतलब कि सॉल्यूशन में तो अलग अलग लेयर्स नहीं दिखेंगी. बट आप और फिनॉल ऐड करते जा रहे हो, और फिनॉल ऐड करते जा रहे हो, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और जो दो लेयर्स हैं वो आपको दिखने लगेंगी. तो वो पॉइंट जब आपको दो लेयर्स दिख रही हैं, That means कि ये partially miscible system आ चुका है. समझ आया? अच्छा. हाँ, यहाँ water है, यहाँ phenol है, ठीक है, ये partially miscible है, आधे आधे mix हो रहे हैं ये अभी. ऐसा नहीं कि completely immiscible है, completely immiscible का case अलग ही होगा. आप अभी यहाँ समझो कि थोड़े amount में एक ही solution मिल रहा है, पूरा same दिखेगा. जब हम amount बढ़ा रहे हैं तो कुछ amount dissolve हो रहा है, but कुछ अमाउंट डिसॉल्व नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि सैचुरेट हो गया ना सॉल्यूशन. जैसे नमक सैचुरेटेड हो जाता है, जितना उसको डिसॉल्व होना है उतना ही होता है. फिर और ज्यादा करोगे तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं, है ना. तो उस फेस को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट. यूनिट वन में पढ़ाया था. तो क्या बोला हमने कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है इन दो सिस्टम की, बट कंपोजिशन चेंज नहीं होता.
सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं. तो जब टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम है यहाँ पे, तो हमें दो लेयर्स मिल रही है, 100% वाटर ए पॉइंट है, 100% फिनॉल ए वन पॉइंट है. यहाँ पे दो लेयर्स मिल रही है जब जब टेम्परेचर कम है. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये इनने क्यों लिया 338 और 325, क्योंकि इनने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो इनको जो सोल्यूशन मिला वो इस टेम्परेचर पे मिला, इसलिए उन्होंने ये एग्जांपल दिया. तुम रिसर्च करोगे, हो सकता है तुम्हें 340 पे मिल जाए, तो तुम अपना जो ग्राफ बनाओगे उसमें यहाँ पे 340 लिख देना कि 340 पे एक लेयर मिली, समझ रहे हो? अच्छा. हाँ, तो क्या हुआ कि 338 और 325 पे जब टेम्परेचर हमने मतलब बढ़ाया टेम्परेचर, तो हमें इस फेज के बाद एक ही सल्यूशन मिला. यहाँ पे फिनॉल और वाटर की अलग अलग लेयर्स हमें नहीं दिखी, हमें एक कंप्लीट सल्यूशन मिला जो कि मिसेबल था. तो वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिब द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली सॉलिबल इन ईच अदर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर या कॉन्सुलेट टेम्परेचर. अभी समझ आया अनीशा? हाँ मैम. बीना, समझ आ रहा है आपको? यस सर. हाँ, अच्छा पढ़ा रहे हो. मैं पहली बार क्लास लगाई हूँ, आपका अच्छा लगा लेक्चर. ओह थैंक यू. नहीं, आप लोग को समझ आना चाहिए बस. और वैसे भी अभी थोड़ा सा ओल्ड भी एससी की हूँ. ओके. सीएचई फोर है मेरा, तो मेरा एक ही सब्जेक्ट वो पेंडिंग में जो है, इसलिए मैं देख रही थी आज. मैं बात नहीं समझी, एक बार फिर से बोलो बीना. मैं ओल्ड बीएससी में हूँ, सीएचई फोर है मेरा, तो मैं हाँ, ये मैं ट्राई कर रही थी, देख रही थी क्या है ये. ओके. तो ये आपका सिलेबस में है ही नहीं ऐसा? है तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे ना. हाँ जी, सेकंड. हाँ, तो सॉल्यूशन तो है ही ओल्ड बीएससी में भी. ओके ठीक है. ओके ओके. वैसे भी अभी मई में मैं सुबह शाम दोनों लेने वाली हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा लंबा है, तो वो मैं कंप्लीट कराऊंगी. और ऑर्गेनिक तो मेरा कंप्लीट है, और सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट है मेरा, बस एक सीएचई 4 पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा. ओके. बाकी बच्चों ने ना अभी शुरू किया है ना, तो उनका बहुत सारा अभी बचा है, जैसे अजय अनिशा लोग इन लोग ने तो अभी स्टार्ट किया है. अच्छा. तो इसलिए मैं शुरू से ही पढ़ा रही हूँ. ओके. हाँ, तो हमने देखा कि सॉलिबिलिटी अजय अनिशा बीना किस पे डिपेंड करती है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे. क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सॉलिबल था, तो हमें एक सॉल्यूशन मिला था पार्शियली मिसेबल का, ठीक है ना. इसलिए इन्होंने बोला जो डोम है इसके आउटसाइड का जो भी रीजन है उसमें हमें सिर्फ एक कंपोजिशन मिलेगा, एक पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको आप अलग अलग अगर रखा हुआ है बीकर में, तो आप देख के ये नहीं बोल सकते कि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, आपको एक ही कंपोनेंट लगेगा, जैसे कि हमने राउल्स लॉ में पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल वाले में, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होता है. फिर सिंस द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, द क्रिटिकल टेम्परेचर लाइज ऑन द टॉप ऑफ डोम, ये भी ठीक है. Hence, such liquid system are said to possess upper critical solution temperature या upper consolidated temperature. Thus, critical solution temperature for phenol water is 338. And above 338, phenol and water are completely miscible. समझ आ गया? Upper critical temperature क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं आज है upper critical temperature? बताओ. क्योंकि मैं सीएसटी जो है वो ऊपर लाई कर रहा है डोम. हाँ, क्योंकि 338 के ऊपर हमें फिनॉल और वाटर का एक सिस्टम मिल रहा है, तो डेट इज अपर क्रिटिकल. अगर हमें इसके नीचे मिलता, अगर हमें डोम में यहाँ वन लेयर मिलती और यहाँ टू लेयर मिलती, तो हम कहते ये क्या है, क्या है ये, लोअर है ना मैं. हाँ, अगर वन जो हमें कंप्लीट लेयर मिलती, अगर यहाँ मिलती, तो हम इसको कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके जी.
हाँ इसलिए ने बोला 338 पे या 338 से ऊपर हमें सॉल्युबिलिटी कंप्लीट मिल रही है, म्यूचुअल है, आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसलिए ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है या अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर है. हेंस एट दिस टेम्परेचर कंपोजिशन क्या है, इस कंपोजिशन पे 63.9% वाटर होता है और 36.1% फिनॉल होता है. अब इसमें से एक याद रख लो, 100 में से माइनस कर देना, मान लो 36.1 को माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो वाटर होगा, या वाटर में से 63 को 100 में से वाटर का माइनस कर दोगे तो फिनॉल का आ जाएगा, तो एक का याद रख सकते हो. ठीक है, अब इन्होंने बोला हियर यू कैन कंसीडर द लाइन फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट ए और ए वन. ये ए और ए वन को जो लाइन मिली थी उसको हमने टाई लाइन कहा, जो हमने यूनिट वन में भी एक डायग्राम में पढ़ा था. और एक पॉइंट सी कंसीडर करना है हमें यहाँ पे, ये पॉइंट. ठीक है, उस पे सिमिलर टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लीवर रूल, लीवर रूल आपने पढ़ा नहीं है, रहने तो इसको छोड़ो. कितना बच गया है, एक बच गया है. देखो यहाँ पे ना ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात आ रही होगी, देखो ये वन लेयर नीचे मिल रही है, ये देखो लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, ये अपन कल पढ़ते हैं. ठीक है, आज अपन ने अपर पढ़ा है, कल अपन लोअर पढ़ेंगे, और फिर मेरे ख्याल से यूनिट में हमें इमिसिबल और पढ़ना है, और सोल्यूशन टू लगभग कंप्लीट हो जाएगा. ये स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन भी मैं आपको कल पढ़ा दूंगी. ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे फेस इक्विलिब्रियम, या फिर जो आप लोग बोलो वो स्टार्ट कर लेंगे. ओके, आज का समझ आया सॉल्यूशन टू में पार्शियली मिसिबल क्रिटिकल टेम्परेचर, कल हमें पढ़ना है ये दो पॉइंट्स. आज इवनिंग में क्लास होगा किसकी, इवनिंग में? आज इवनिंग में नहीं होगी निशा, कल मैं आप लोग की क्लास लूंगी अभी, उसके बाद फिर कंटिन्यू में